हेलो एवरीवन, जनरल अवेयरनेस के इस पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर जो है मैं फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके साथ डिस्कस करूंगी, और उस फुल लेंथ टेस्ट का एक सर्टेन सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी, और ये है हमारा पेपर कोड 4001। हमारी जो HCS की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, HCS की जो टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, उसी का एक हिस्सा है। कि हरियाणा में जो है 145 पोस्ट के लिए, ओके, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने 145 वैकेंसीज जो है जो भेज वो आगे भेज दी हैं, और इनमें से 48 वैकेंसीज जो है, 48 वैकेंसीज जो है वो SDM के लिए हैं। तो एक छोटे से राज्य में 48 वैकेंसीज SDM के लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, जितने भी लोग आप में से HCS की तैयारी कर रहे हैं या काफी उत्सुकता से इस एग्जाम की वो वेट कर रहे थे, उनके लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। यस, बिल्कुल एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब आपको आगे बढ़कर दरवाजा खोलना है, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए जो वाकई में इसको ग्रास्प करना चाहते हैं, मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते हैं। जितने भी HCS एस्पिरेंट्स हैं, ओके, जो हरियाणा में ही सेटल होना चाहते हैं, हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट पाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही जबरदस्त सुनहरा मौका है। ओके, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप जो है किसी भी प्रकार का HCS से रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, और हमारी जो वेबसाइट है वो है baljeetdhaka.com, BALJIT बलजीत ढाका, DHAKA बलजीत ढाका .com। ये फ्रंटियर IAS की ही वेबसाइट है, इसे आप विजिट करें। यहाँ पर आप देखोगे HCS गाइडेंस एंड प्लानिंग, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है ना HCS गाइडेंस एंड प्लानिंग, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जाइए, जो भी आप देखना चाहते हैं, एज से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, ऑप्शनल पेपर्स, वो सारी चीजें जो है ना आपको यहाँ पर दी गई हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें, रिजर्वेशन से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आपको जो है गाइडेंस सारी की सारी मिल जाएगी। वेबसाइट पर आप जाइए, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, ओके, इस प्रोडक्ट में अगर आप क्लिक करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर हम कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए HCS के लिए ऑफर करते हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब हमारा एक ऑनलाइन बैच भी है जो स्टार्ट होने वाला है HCS। अगर आप प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की कोचिंग चाहते हैं, तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, ओके, इसमें वीडियो, PDF, यूनिट टेस्ट, फुल लेंथ, सब कुछ जो है आपको मिलेगा। इसमें टोटल जो है हम 71 टेस्ट जो हैं, ओके, उन्हीं टेस्ट का एक हिस्सा है जो अभी आगे मैं आपके साथ करूंगी। टोटल 71 टेस्ट, जिनमें से 50 जो हैं वो प्रीलिम्स के लिए, और साथ ही साथ 21 जो हैं वो मेंस के लिए। मेंस बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसमें सारे आपके जो पेपर्स हैं वो चेक करके आपको भेज दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक पूरी सीरीज जिसमें कि 20,000 MCQ जो है, बहुत ही हाई लेवल के MCQ जो हैं, जो बहुत ही कम समय में आपको, ठीक है, बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम समय में जबरदस्त आउटपुट आपको देगा, वो सब कुछ जो है इसमें शामिल है। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो, खरीदने से पहले कोई आपकी क्वेरी है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं, 9817390373, इस पर आप कॉल करें, जानकारी ले लीजिए। वैसे तो वेबसाइट विजिट करो baljeetdhaka.com, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, अब ये सब बताने के बाद बहुत ही गोल्डन, और उसके बाद जो है पेपर्स लिखकर भेजो, जो भी टेस्ट होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप ही जल्द महसूस होने लगेगी। सिस्टमैटिक ढंग से, एक चैनलाइज्ड ढंग से, बिना इधर उधर भटके, दुनिया भर के मटेरियल में बिना खोजे, आप प्रॉपर सिस्टमैटिक ढंग से अपनी तैयारी कर पाएंगे। देखिए आपको क्या दिया गया है, ज्योग्राफी का है ये। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर वर्णन करें, ओके, और आपको यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और सिर्फ 1 मार्क, ओके, एक नंबर के लिए हर एक क्वेश्चन है, और 40 वर्ड्स के अंदर जो आपको लिखना है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो पार्ट बी है उसके 5 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर है आपके सामने खादर, फिर है जालीनुमा अपवाह तंत्र, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, फुमडीज जिनको हम हिंदी में कुंदी कहते हैं, कुछ जगह आप इनको फुमडीज भी लिखा हुआ देखेंगे, ऑक्सबो लेक, और उसके बाद है तराई। ये आपको 5 दिए गए थे डिस्क्राइब द फॉलोइंग में। चलिए अब एक, मैं सबसे पहले तो जिस स्टूडेंट ने हमें लिखकर भेजा है, एक एवरेज सा पेपर, एवरेज, ना बढ़िया ना बुरा, एवरेज, वो आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, फिर एक और जो है क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। देखो खादर में इन्होंने क्या लिखा है कि खादर जो है, इट इज न्यू एल्यूवियम सॉइल विच इज फॉर्म्ड अलोंग द कोस्टल और सी रीजन बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स
हाईली फर्टाइल इन नेचर है ये, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, कीप्स ऑन गेटिंग न्यूअर एल्यूवियम सेडिमेंट्स एवरी टाइम। तो नियर द सी वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा सा काटा लगाया है एग्जामिनर ने यहाँ पर, जब इसको रिपीट कर दिया गया, क्योंकि ये समुद्र के पास ही नहीं है, ये नदियों के किनारे किनारे पर भी है। ये जो स्टूडेंट था इसको डायग्राम्स बनाने का शौक है, देखो इसने यहाँ पर नदी बना रखी है, लिख भी रखा है रिवर, और उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर खादर रीजन उन्होंने दिखा रखा है। हाईली फर्टाइल है, यस ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, क्या ये आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन में मिलेगा, ब्रह्मपुत्र रीजन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये भी बता देते तो अच्छा होता। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, यस बिल्कुल सही, और यहाँ पर कौन सी फसलें उगती है ये बता दिया जाता तो और अच्छा हो जाता। खैर एनीवेज एक नंबर का ही आंसर था, और एग्जामिनर को लगा कि इसने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स लिख ही दिए हैं तो इसको एक में से एक ही दे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप ठीक लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर ये देखो यहाँ पर दिया गया है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, इट इज द ड्रेनेज पैटर्न एज शोन इन द फिगर, अ वेरी डिसकंटिन्यूअस एंड जिगजैग टाइप ड्रेनेज कंटेन्स नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इन्होंने फिगर बनाया है। यस ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें की फिगर की रिक्वायरमेंट थी, परंतु बहुत अच्छा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसलिए इनको एक में से केवल 0.25 मार्क्स ही दिए गए हैं। अगला देखो फिर ये फुमड़ीज क्या है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती डायग्राम बनाने की कोशिश की, डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं थी, ये आपको लोकटक लेक में मिलेंगी। इन्होंने लोनार लिख दिया, कंफ्यूज मत हो, ये लोकटक अलग है, लोनार लेक अलग है। ओके ये राउंड शेप्ड ग्रीन स्ट्रक्चर है, काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल है, वेजिटेशन है ये, फाउंड जनरली इन लोनार लेक। ओके जो कि एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इन्होंने इस लेक का नाम तक नहीं लिखा कि ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। इट एक्ट्स एज अ फाइटोप्लांक्टन एंड हेल्दी फॉर मरीन इकोसिस्टम। कुछ एक चीजें ठीक लिखी है जैसे ग्रीन वेजिटेशन है ये, ओके फ्लोटिंग वाले जो नेशनल पार्क है उसमें मिलेगी, ठीक ठाक सही है, इसलिए केवल इनको 0.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 1। अगले पर चलो ऑक्सबो लेक के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता यहाँ पर भी थी, लेकिन ऑक्सबो लेक जो है ना आपको एक इस तरह का लेक दिखाना था, वो ऑक्सबो लेक था। बहुत ठीक नहीं है डायग्राम इनका, पर कुल मिलाकर सब कुछ लिख ही दिया था तो यहाँ पर एक में से एक दे दिया गया, एक एक नंबर में कोई क्या काटे और क्या दे। द कर्व्ड लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिवर्स मूविंग इन अ कर्वी पाथ, उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स एमेजोन एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो है इनको कुल मिलाकर एक्चुअली लिखना क्या था, ये एक जो है ये जो इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं ना जहां पर वो करवाया जाता है आपको, उसमें आपको ये मिलेगा, और जो नदी होती है जब उसमें फुल पानी होता है तो फिर ये जो इस तरह से कर्व होकर ये नदी बहती है तो ये कर्व बड़े हो जाते हैं, पानी कम होने पर नदी इतना नहीं हो पाती, केवल यहीं से मुड़ जाएगी। तो जो पीछे रह जाते हैं इस तरह के, जिनको हम हिंदी में गोखुर झीले बोलते हैं, इस तरह से होते हैं जिनमें पानी भरा रह जाता है, ये कहलाते हैं आपके ऑक्सबो लेक। पर इनको एग्जामिनर ने यहां पर 1 मार्क ही दे दिया, हालांकि मैं होती तो यहां पर आधा नंबर ही इनको देती एक में से। चलो अब उसके बाद जो आप इनके आइडियल आंसर्स देख लेते हैं क्या होने चाहिए थे। यहाँ पर आपको दिया है खादर, ये दीज आर न्यू प्लेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू एल्यूवियल डिपॉजिट्स अलोंग द कोर्स ऑफ द रिवर सिस्टम, रिवर स्ट्रीम जो होती है उसके आसपास आपको ये मिलेंगे। दे आर एनरिच्ड एंड फॉर्म्ड बाय फ्रेश डिपॉजिट्स ऑफ सिल्ट एवरी ईयर, यस बिल्कुल सही, हर साल जब बाढ़ आती है तब ये जो है इनको एनरिच किया जाता है, और ये सूटेबल है शुगर केन के लिए, राइस के लिए, व्हीट के लिए, मेज के लिए, ऑयल सीड्स के लिए। केवल 40 शब्दों में लिखना था तो ये बिल्कुल सही है आपका, इस तरह से आपको लिखना चाहिए था। फिर है हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ओके जालीनुमा जो है, इन ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, इन ट्रेलिस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न द शॉर्ट सबसिक्वेंट स्ट्रीम्स और ट्रिब्यूटरीज मीट द मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर एट राइट एंगल, ये मेन स्ट्रीम है तो जो दो छोटे वाली हैं वो इस तरह से 90 डिग्री पर मिलती हैं। द डिफरेंशियल इरोजन थ्रू द सॉफ्ट रॉक प्रोवाइड्स द वे टू द ट्रिब्यूटरीज, और इंडिया में ये कहां पर है, ये छोटा नागपुर प्लेटो पर आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही, 40 शब्दों में आप इतना ही लिख सकते थे। फिर फुमड़ीज, ओके इनके बारे में क्या है कि मणिपुर स्टेट में जो लोकटक लेक है उसके ऊपर जो है ये फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, और दिस सर्कुलर लैंड मासेस आर मेड ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति के बने हुए हैं, सॉइल है इनमें, ऑर्गेनिक मैटर है, एंड दे हैव बीन थिकेंड इनटू अ सॉलिड फॉर्म, इनको हम कहते हैं फुमड़ीज, ठीक है। फिर ऑक्सबो लेक देखो, यू शेप्ड लेक है बिल्कुल, ये इस तरह से अगर हम यू को टेढ़ा कर दिया जाए तो ऐसा होगा, कब होता है मियांडर, अंग्रेजी में उसे मियांडर कहते हैं, वो जो नदी इस तरह से बहती है ना सर्पाकार में, मियांडर्स है, ओके
यू शेप्ड लेक है, फॉर्म्ड व्हेन द मियांडर बिकम्स वेरी कर्व्ड एंड इवेंचुअली द नेक ऑफ द मियांडर बिकम्स नैरोअर एंड द रिवर कट्स थ्रू द नेक कटिंग ऑफ द मियांडर एंड क्रिएटिंग अ फ्री स्टैंडिंग वॉटर बॉडी। ठीक है, ये होगा आपका। फिर हमारा तिराई पर आ जाते हैं। तिराई तो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तिराई आपको बता देती हूँ, तिराई की दो स्पेलिंग है, तिराई और तेराई। ये लो लैंड रीजन है, नॉर्दर्न इंडिया में लोकेटेड है, ये नेपाल के दक्षिण में, ओके, फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज में ये लोकेटेड है, और नॉर्थ ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन, और ये लोलैंड बेल्ट है। यहाँ पर आपको टॉल ग्रासलैंड्स, स्क्रब सवाना, सॉल फॉरेस्ट वगैरह जो है मिलेंगे। ये थे आइडियल आंसर्स 40 शब्दों में, जो आप ये जो आपको दिए गए थे इनके लिए आप लिख सकते थे। अब मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन और आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो छोटे वाले मैंने डिस्कस कर लिए, एक लंबे वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपको दिया गया है बहुत बार आपके इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, या फिर अक्सर क्या होता है कि कुछ एक ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं जो करंट न्यूज से रिलेटेड हो, ओके, उनको उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि इन विंटर्स द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर डिटोरियोरेटेड एट अ वेरी सिवियर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिग्रेडेड एयर क्वालिटी। सर्दियों में दिल्ली एनसीआर की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बेहद खराब श्रेणी में आ जाती है। ऐसा होता है, हर साल आप देखना होता है हवा की गुणवत्ता के खराब होने के पीछे क्या कारण है। ये लिखना था आपको 250 वर्ड्स पे, आपको ये लिखना था, और 10 नंबर का जो है ये आपको लिखना था। चलो देखते हैं स्टूडेंट ने क्या लिखा है। ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्वालिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय द इंडेक्स कॉल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इट चेक्स द प्योरिटी ऑफ द एयर बाय मेजरिंग द कंटामिनेट क्वालिटी। देर आर वेरियस रीजंस फॉर पुअर क्वालिटी और लो क्वालिटी इंडेक्स, दीज आर एज फॉलोज। इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, अगर आप देखें तो अभी तक इन्होंने कहीं भी दिल्ली की तरफ ये नहीं आए हैं, दिल्ली की तरफ ये नहीं आए, इन्होंने जनरल सा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट से पोल्यूशन होता है। द एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज द मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। पोल्यूटेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा पोल्यूट द एयर। आगे है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, द एग्जॉस्ट गैसेस पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स आर ऑल्सो द मेजर रीजन फॉर एयर पोल्यूशन। फिर है फॉसिल फ्यूअल बर्निंग, द यूज ऑफ फॉसिल्स एज अ फ्यूअल इज ऑल्सो द कंसर्न फॉर एयर पोल्यूशन। द बर्निंग ऑफ कोल, चारकोल एटसेट्रा पोल्यूट इट द मोस्ट। फिर हम आ गए हैं डोमेस्टिक पोल्यूशन पर, द एग्जॉस्ट फॉर्म burning the exhaust from burning the fuel such as timber, low quality coal, moist dampened fuel also contribute to air pollution. Recently the quality of air had been improved due to COVID-19 pandemic lockdown. The air quality index was improved up to 300, clear nahi hai yahan par, which is pretty good. Even great Himalayas could be seen from Ludhiana, Punjab. Dekho examiner ne aap question mark lagana start kiya ki tumne ye sab likha kyun hai bhai, tumse pucha gaya tha Delhi ki air quality, तुम लिख रहे हो इधर उधर की बातें। Now as the lockdown lifted again, the quality of air worsened and air quality index reached over, दिया गया है, which is very hazardous for health. Okay, आगे भी देख लीजिए। The poor air quality index level has now reached to alarming level. If we want to protect our coming generation from catastrophe, then we have to take action to improve the air quality and our environment by using sustainable uses of resources. ये इन्होंने लिखा है। Examiner ने इनको 5 नंबर दिए हैं इसके लिए। दिल्ली का कहीं आपने जिक्र ही नहीं किया, ओके? और जो आपने reasons दिए हैं यहाँ पर, देखो स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सर्दियों के मौसम में क्यों है कि हम हमेशा कहते हैं कि जो एयर क्वालिटी है वो खराब हो गई है। हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी तो कहा था कि रेड लाइट पर जो आपकी गाड़ियां हैं उनको बंद कर दीजिए, ओके, ये जो ऑड इवन का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ था ये भी दिल्ली की प्रदूषण वगैरह को ही तो देखकर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उस हिसाब से आपको लिखना था। एग्जामिनर ने इनको हालांकि 5 नंबर ही दिए हैं 10 में से, मैं फिर भी कहूंगी थोड़े ज्यादा ही दे दिए हैं एग्जामिनर ने। आइडियल आंसर की तरफ चलिए, ओके। स्मॉग फॉर्मेशन वगैरह क्या आपने नहीं सुना है? ओके, बहुत जरूरी है वो तो आपको जानना। इन विंटर्स द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एनसीआर डिटोरियरेटेड टू अ सीवियर कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी इंडेक्स। बिल्कुल सही, आइडियल आंसर जो होना चाहिए, मॉडल आंसर जो होना चाहिए वो दिखा रही हूँ।
एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स द पोल्यूशन ऑफ एयर इंक्रीजेस. यस बिल्कुल, दिल्ली जो है वहां पर वो कोस्टल रीजन में तो लोकेटेड नहीं है, तो दिल्ली में गर्मियां भी ज्यादा, सर्दियां भी काफी सिवियर होती हैं. डस्ट एंड वेक्यूलर पोल्यूशन आर टू बिगेस्ट कॉज ऑफ डिपिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली इन विंटर्स. बर्निंग ऑफ वेस्ट, बायोमास, क्रॉप रेसिड्यू आर अमंग अदर रीजन फॉर एक्सेसिव लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन. आपने पराली जलाने के बारे में नहीं सुना, स्पेशली इन विंटर. During summer, the lowest layer of atmosphere is warmer and lighter as compared to winter. Winter में क्या होगा? विंटर में आपने जरूर सुना होगा, ओके, विंटर में ये जो धुंध वगैरह बनती है, जो बिल्कुल धरती की सतह के पास बनती है, वो कैसे बनती है? क्योंकि धरती का जो टेम्परेचर होता है वो रात को काफी ज्यादा गिर जाता है. वो रात को, दिन में तो देखो सर्दियों में होता क्या है, सर्दियों में यही तो होता है विंटर में कि सूरज महाराज के दर्शन सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे सूर्य देव गायब. जितनी भी हीटिंग होती थी लैंड की वो इसी से तो होती थी. तो जो नाइट है उसके आवर्स बढ़ जाते हैं, जिस वजह से टेम्परेचर काफी ड्रॉप होता है. दिल्ली का टेम्परेचर तो रात को 1 डिग्री, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से हो जाता है. तो इसके संपर्क में यहाँ पर ये जो एयर है इसकी ज्यादा कूलिंग हो जाती है. ओके आगे देखो ये क्या कह रहे हैं. ड्यूरिंग समर द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज वार्मर एंड लाइटर एज कंपेयर टू विंटर व्हिच मेक्स इट इजी फॉर एयर टू राइज अपवर्ड्स. एज अ रिजल्ट पोल्यूटेंट्स आर कैरिड अवे फ्रॉम द ग्राउंड. लेकिन विंटर में द एयर नियर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज डेंस एंड कूलर. द वार्म एयर ट्रैप्स द कूल एयर एंड फॉर्म्स अ काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक लिड नोन एज इन्वर्जन. बिल्कुल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है. इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होने की वजह से द वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर हैपेंस विद इन दीज लेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ विच पोल्यूटेंट्स डिस्पर्स बैक इन द एटमॉस्फेयर. द इफेक्ट्स ऑफ इन्वर्जन आर स्ट्रॉन्ग एट नाइट फॉर विच द एयर क्वालिटी डिटोरिएट्स एट नाइट. दिस इज द रीजन वाई एक्सपर्ट्स एडवाइज अस होना चाहिए टू अवॉइड गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक्स और एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एज पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई. द लेवल ऑफ पार्टिकल्स, ओके, PM 2.5 is exceptionally high in winter due to burning of biomass to warm up the homes and burning stubble of the field at the end of the harvest season. The increasing number of brick kilns which operate mainly in winter is another major reason for the high. जो ये air quality level इतना खराब है ये उसका एक reason है. ये सारी चीजें जो है ये आपको आपके answer में बतानी थी. अब देखो जो right answer है, जो model answer है, वो सारी चीजें आपको मैं दिखा रही हूँ. तो आप अपनी तुलना कीजिए, आप तुलना कीजिए. यहाँ पर तो मैंने geography का एक बिल्कुल छोटे जो एक आपको मुश्किल से 40 शब्दों में आंसर्स लिखने थे वो भी दिखाया, जो एक लंबा 250 शब्दों में लिखना था वो भी दिखाया. बहुत मुश्किल अभी नहीं क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनमें भी अगर आप फंस रहे हैं तो आप समझ जाओ, ठीक है. बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये बहुत जरूरी है. मेंस में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है कि आपकी लिखने की क्षमता जो है वो कैसी है. तो अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वेबसाइट विजिट कीजिए baljeetdhaka.com. आई विश यू ऑल द बेस्ट. देखने के लिए धन्यवाद. बाय बाय.